जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से रेस्टोरेंट ऑफर में रेसिपी मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर हम रेसिपी वगैरह मैनेज करना चाह रहे हैं तो हम किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना यूजर नेम पासवर्ड दे के सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो जाएंगे, तो हमारे पास डैशबोर्ड शो हो जाएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमारे पास रेसिपी मैनेजमेंट है, इस पर आपने क्लिक कर देना। उससे पहले मैं कुछ आपको चीज़ें बता देता हूँ, जो कुछ चीज़ें हैं। मैं सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट्स में जाकर ये चीज़ वेरीफाई करनी है, या आप अगर नई प्रोडक्ट सेव कर रहे हैं तो आपने किस तरह सेव करना है। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, जिसकी हमने जो है ना वो रेसिपी बनानी है, जिसकी रेसिपी हमने बनानी है वो हमारे यहाँ पर सेव किया हुआ। तो यहाँ पर हम बर्गर रखते हैं, देखिए शमी बर्गर, जो कि हम इसको इसकी रेसिपी बनाएंगे। इसकी रेसिपी में क्या चीज़ यूज़ होती है, उससे पहले आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जब शमी बर्गर कोई चीज़ सेव करनी है, तो अगर आप उसको अगर स्टॉक मैनेज करना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि हम जितने बर्गर बनाए हैं स्टॉक में प्लस हो जाए, देन जितने सेल करें स्टॉक से माइनस हो जाए। अगर आप स्टॉक मैनेज करना चाह रहे हैं इस चीज़ का, देन आपने मैनेज स्टॉक पर चेक कर देना, ठीक है जी। पहली बात ये होगी। उसके बाद उसमें जो आइटम यूज़ होंगी, मीन्स के जैसे टिक्की वगैरह है, ETC है, वो चीज़ें आपने जब प्रोडक्ट में सेव करनी है उसको किस तरह से सेव करना है। जैसे हम कैटेगरी, यहाँ पर हम लेट्स बता देते हैं, हमने टिक्की सेव की थी, ये देखिए ये शामी टिक्की, शामी हमने कैटेगरी बना ली एक रॉ मटेरियल। अब अपनी मर्जी से कैटेगरी बना लें, उसके बाद हमने प्रोडक्ट का नेम दे दिया शामी टिक्की, ठीक है। आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। उसके बाद इसकी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, मीन्स के इसमें KG में है, APC में है, ग्राम में है, वो आप दे देंगे। उसके बाद एक और चीज़ है यहाँ पर एबल, तो आपने अगर इसका भी स्टॉक मैनेज करना है तो उस मैनेज स्टॉक पे क्लिक कर देना है। अगर वो नहीं भी करना, पर ये चीज़ अगर रॉ मटेरियल आइटम बना रहे हैं तो ये चीज़ लाजमी है, इस रॉ मटेरियल इसको आपने चेक या अनचेक अगर होगा इसको चेक कर देना है। जो चीज़ रॉ मटेरियल होगी इसको आपने चेक कर देना है, ठीक है। जैसा कि मैं आपको एक और बना दिखा देता हूँ, यहाँ पर रा चिकन, ये रा चिकन मतलब के जो अनबॉइल्ड चिकन होता है, कच्चा चिकन, ठीक है। उसको हमने सेव किस तरह ग्राम के हिसाब से सेव किया है, आप अपने KG के हिसाब से सेव करें वो आपकी मर्जी है, और रा मटेरियल हमने इसको चेक किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। नेक्स्ट आपने देखा रेसिपी मैनेजमेंट अगर करनी है तो आपने रेसिपी मैनेजमेंट पे यहाँ पर क्लिक करना है, टच करना है, और यहाँ पर सबसे पहले आपने बिल ऑफ मटेरियल बनाना है। बिल ऑफ मटेरियल में क्या होता है कि आप सिस्टम को बताते हैं कि मुझे जो भी मैंने चीज़ बनानी है, मुझे इसको बनाने में क्या क्या चीज़ें दरकार हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं और कितनी यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम बिल ऑफ मटेरियल पे क्लिक करेंगे, यहाँ हमारे पास एक बिल ऑफ मटेरियल की स्क्रीन ओपन हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, हमने देखें सिलेक्ट प्रोडक्ट टू बी असेंबल्ड, मतलब कि किस आइटम को हमने बनाना है, किस चीज़ को हम जो है ना किस चीज़ का बिल ऑफ मटेरियल बनाना चाह रहे हैं, किस चीज़ का BOM हम शॉर्ट नेम रखते हैं, BOM किस चीज़ का बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इधर शामी बर्गर, जैसे कि आपको बताया था हम शामी बर्गर का बनाएंगे। आप कुछ भी किसी का भी बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें, हाँ शामी बर्गर हमने चूज कर लिया। अब यहाँ पर हम आइटम चूज करेंगे, कंपोनेंट्स इंफॉर्मेशन, कंपोनेंट्स मतलब कि क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी। अब देखिए मेरे पास इसमें सिर्फ वही चीज़ें शो हो रही हैं जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल नहीं है वो देखें कैटेगरी रॉ मटेरियल, मुझे सिर्फ वो शो हो रहे हैं जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल नहीं है वो मुझे शो नहीं हो रहे। इसलिए भी मैंने आपको गाइड किया था कि आपने शुरू में ये चीज़ कंफर्म करनी है कि जो चीज़ें रॉ मटेरियल है उसको रॉ मटेरियल चेक करना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास रॉ चिकन, सबसे पहले अगर हमने चिकन इसमें डालना है तो वो हम चूज़ कर लेंगे, अदरवाइज अगर हम इसमें हमारे पास आ जाती है जस्ट सपोज के यहाँ पे एग्ज आ जाएंगे, सही। अच्छा जी, अंडे 20 रुपये इसकी कॉस्ट है, हम कितने यूज़ करेंगे, एक एक बर्गर में एक अंडा यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है लेट्स सपोज के मिक्स मसाला जात है, मिक्स मसाला जात हमारे पास कितने यूज़ होंगे, लेट्स सपोज के हमारे पास ये 10 ग्राम यूज़ होंगे, सॉरी 0.15 ग्राम हम यूज़ होंगे हमारे पास, मतलब 15 रुपये के हमारे पास मसाला जात यूज़ होगी। अच्छा, उसके बाद हम इसमें कहते हैं जी वेजिटेबल्स, हाँ बर्गर, बर्गर जो जो बन होता है गोल, देखें वो उसकी कॉस्ट आ रही है 15 रुपये, वो कितने यूज़ होंगे, वो एक यूज़ होगा, ठीक है जी। और उसके बाद हम इसमें और क्या यूज़ होगा,
हम अगर चिकन का यूज़ करना चाह रहे हैं रा चिकन, तो वो भी हम कर लेते हैं। अगर आप जैसे कि चिकन शामी बर्गर भी होता है तो उसकी ये देखिए रा चिकन यूज़ किया था। देखिए इसको हमने ग्राम के हिसाब से सेव किया, मतलब कितने ग्राम यूज़ होगा रा चिकन इसके अंदर, मतलब चिकन कितना कितने ग्राम यूज़ होगा, तो वो हम 100 रुपये जो है ना वो पर ग्राम हमने इसका रेट बताया है, 100 रुपये पर ग्राम। तो हम कहते हैं इसको ये ना वो 100 ग्राम अगर हम करते हैं, मतलब कि 0.25 ग्राम इसमें चिकन यूज होगा जो कि 25 रुपये का है। उसके बाद मजीद हम इसमें कुछ ऐड करना चाहें जैसे कि शामी टिक्की हो गई, मसाला जा रहा चिकन, इसके बाद वेजिटेबल्स अगर हम ऐड करना चाहें। देखें आप जो चीज़ कोस्ट हैवी कर रही हैं वो चीज़ें डाल सकते हैं, बाकी छोटी मोटी चीज़ें केचप वगैरह मायनीज वगैरह वो अगर स्किप भी कर रही, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो लार्ज आइटम जो मतलब कि कोस्ट ज़्यादा कर रही हैं वो उनको आप डाल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास बर्गर अभी इन रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट कर रहा है वो 75 रुपीज़ का हमें कॉस्ट कर रहा है। अब नीचे एक और चीज़ है देखें, लेबर कॉस्ट, इसको बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है। अब आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि अगर आपका जो वर्कर है उसको मंथली आप कितना पे करते हैं, या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बर्गर बनाने में लेबर कॉस्ट कितनी आ रही है। फर्ज कितनी लेबर कॉस्ट आ रही है मुझे एक बर्गर बनाने में 5 रुपये, ठीक है। एक बर्गर बनाने में जो लेबर कॉस्ट लग रही है मुझे, जो मेरा शेफ है जो बना रहा है उसको 5 रुपये पर जो है ना वो बर्गर में पे करता हूँ, तो ये अपने हिसाब से आप करेंगे। एंटरप्राइज कर दिया, अब 80 रुपये हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड होता है कि आपके पास जैसे कि गैस यूज हो रही है, लाइट यूज हो रही है, बिजली यूज हो रही है, तो उसका क्या इसके अमल दखल है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसमें फैक्ट्री ओवरहेड आने चाहिए तो आप वो भी डाल सकते हैं। लेट्स सपोज कि फैक्ट्री ओवरहेड इसमें लग रहे हैं जी 5 रुपये भी कर लेते हैं, मतलब 85 रुपीज़ के अंदर आपका एक शामी बर्गर तैयार हो रहा है। सिस्टम मैंने आपको ये चीज़ बता दी, ठीक है जी। और आप इसी तरह आप अपने जो है ना जो भी बिलो मीटर बनाना चाहें, जैसा कि हमारे पास पिज़्ज़ा है, हमारे पास ये जो भी पिज़्ज़ा है वो जैसे पिज़्ज़ा स्मॉल है लार्ज है, ठीक है, सबका आप अलग अलग से बनाएंगे। बहरहाल अभी हम इसका जो बना रहे हैं वो हमारे पास शामी बर्गर है। अच्छा अब हम इसको सेव कर लेते हैं, रिमार्क्स वगैरह देना चाहें जैसे कि हम डेमो एंट्री रिमार्क दे लेते हैं, इसको हम सेव करेंगे। यस ओके, अब बिल ऑफ मटेरियल आपका बन गया है। अगर लिस्ट में जाते हैं आप उसको सर्च कर लेते हैं, देखिए हमारे पास शामी बर्गर का हमने बनाया जी बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है जी, ये बन गया हमारे पास। अगर इस पर हम डबल क्लिक करते हैं, इसको प्रिंट लेना चाह रहे हैं, ये देखिए बिल ऑफ मटेरियल नंबर पशु आपका नेम वगैरह आ जाएगा, बिल ऑफ मटेरियल नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, ठीक है, असेंबल आइटम्स आ जाएंगे, क्या चीज़ आपने जो है ना वो असेंबल कर रहे हैं, और शामी बर्गर उसमें क्या क्या चीज़ यूज़ हो रही है। उसमें देखिए एग जितने यूज़ हो रहे हैं, 1 पीस तक यूज़ हो रहा है, 0.15 ग्राम मसाला जो यूज़ हो रहे हैं, 1 पीस जो है ना बन यूज़ हो रहा है, और रा चिकन आपके पास 0.25 ग्राम यूज़ हो रहा है। टोटल आपके पास देखें लेबर कॉस्ट 5 रुपये है, फैक्ट्री ओवर हेड्स 5 रुपये है, अदर चार्जेज आपके पास है जो है ना वो 0 है, 85 रुपये का आपको चीज़ कॉस्ट कर रही है। तो अब हमने बिल ऑफ मटेरियल बना लिया, हमने सिस्टम को बता दिया कि अगर बर्गर बनाने में हमें ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, और एक बर्गर बनाने में सिस्टम ने बताया कि ये कॉस्ट आ रही है। अब लेट्स सपोज हमने 10 बर्गर बनाने हैं, 10 बर्गर हमने असेंबल करने हैं, तो हम वो किस तरह करेंगे। देखिए यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल के सॉरी रेसिपी मैनेजमेंट मैनेजमेंट के नीचे ही आपके पास ऑप्शन है असेंबल आइटम्स, इस पर आप क्लिक कर दें। अब यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ पर आप चूज़ करेंगे जी अपना बिल ऑफ मटेरियल जो भी आपने अभी हम बनाया है। अब यहाँ पे एक हमने चिकन फजीता का बनाया, दूसरा हमारे पास शामी बर्गर का हमारे पास बिल ऑफ मटेरियल है, वो हमने चूज़ कर लिया। जैसे हमने चूज़ किया देखें यहाँ पर हमारे पास आ गया शामी बर्गर, और यहाँ पर हमारे पास उसकी जो भी चीज़ें वगैरह हैं वो क्वान्टिटी वगैरह आ गई। मटेरियल कॉस्ट की 75 रुपीज़ है, टोटल कॉस्ट इसकी जो है 85 रुपीज़। अब देखिए हमने कितने बर्गर हम असेंबल कर रहे हैं, कितने बर्गर बना रहे हैं। लेट्स सपोज के हम बना रहे हैं जी 10 बर्गर, अगर 10 बर्गर बनाने पे हमारी जो कॉस्ट बनेगी 850 रुपये बनेगी 10 बर्गर बनाने में, और हमारे पास सिस्टम बता रहा है कि हमारे पास क्या कितनी चीज़ें यूज़ होंगी। देखिए वो आपके पास बता रहा है, आपके पास अगर आप 10 बर्गर बनाएंगे, देखें 10 अंडे यूज़ होंगे, मसाला जात आपके पास 1.50 ग्राम यूज़ होंगे। उसके बाद सिस्टम आपके पास ये भी बता रहा है कि आपके पास बर्गर गोल बनना है, जो गोल बन बर्गर 10 यूज़ होंगे। रा चिकन आपके पास जो चिकन है वो 2.50 ग्राम यूज़ होगा, ठीक है, मुझे मीन्स के उसने बताया 10 बर्गर में ये चीज़ें इतनी यूज़ होंगी और इतने रुपए की यूज़ होंगे। देखें आपको सिस्टम बता रहा है, साथ चिकन आप 250 रुपये का यूज़ होगा 83, ठीक है। अब आपने ये चीज़ लिख ली, अब आपके पास देखें ऑप्शन है यहाँ पर कि अफेक्ट क्वान्टिटी,
अगर अगर तो आप इसको सिर्फ अपने जो है ना वो उसके लिए बना रहे हैं कि आपका जो है ना हिसाब किताब देखते हैं कि आपके पास इतने बर्गर कितने में कॉस्ट कर रहे हैं, मीन्स कि एज एस्टिमेट के लिए बना रहे हैं, तो देन तो आप इफेक्ट क्वांटिटी को चेक करने दें, क्योंकि इफेक्ट क्वांटिटी का मकसद ये होता है कि जब आप इफेक्ट क्वांटिटी पे क्लिक करते हैं, आप देखें यहाँ पे एग्ज है ना, अब एग्ज कितने हैं यहाँ पर, क्वांटिटी अवेलेबल स्टॉक 300 है, तो अगर हम चेक करके इसको सेव करेंगे ना तो एग्स हमारे पास रह जाएंगे 290, मतलब कि रॉ मटेरियल का स्टॉक ये माइनस कर देगा, जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है उसका स्टॉक माइनस हो जाएगा, जैसा कि अवेलेबल स्टॉक इसका शो कर रहा है 200, इसका अवेलेबल स्टॉक मसाला ज्यादा रह जाएगा 1.5 ग्राम माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी इतना रह जाएगा, और इसका रॉ मटेरियल का स्टॉक क्या करेगा, माइनस करेगा, और जो हमारा ये स्टॉक है शामी बर्गर जो असेंबल आइटम है जो आइटम बन रही है उसका स्टॉक प्लस कर देगा। उससे पहले हम चीज चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा इसका स्टॉक कितना अवेलेबल है, तरह के हम रिपोर्ट स्टॉक एडजस्टमेंट में आ जाते हैं, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं हमारे पास जो बर्गर है वो कितना अवेलेबल है। अब शामी बर्गर हमारे पास देखिए 0 पीस अवेलेबल है, 0 है, ठीक है, इसको हम सेव करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो पहले आपको इसलिए चेक करवाया, सेव पे क्लिक करते हैं, यस रिकॉर्ड क्रिएट हो गया हमारा, और इफेक्ट क्वांटिटी भी हमने चेक किया हुआ था, और लिस्ट में अगर हम जाते हैं तो हमारे हमें ये हमारा असेंबल आइटम भी मिल जाएगी यहाँ पर, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, इसमें कुछ चेंजिंग करनी हो भी कर सकते हैं, अगर हम इसको प्रिंट करें, ये देखें यहाँ पर असेंबल आइटम कौन सी है, शामी बर्गर असेंबल हो रहा है, क्वांटिटी उसकी कितनी, हमने असेंबल की 10, यूनिट कॉस्ट उसकी क्या थी, 85 रुपीज़ यूनिट कॉस्ट आ रही थी, टोटल उसकी 850 रुपीज़ कॉस्ट हुआ। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखिए एग्ज बता रहे सिस्टम 20 रुपये का आपके पास एग की प्राइस है, 10 यूज़ हो रहे हैं और 200 रुपये के एग यूज़ हो रहे हैं, उसके मसाला ज़्यादा आपके पास इतने यूज़ हो रहे हैं, बर्गर गोल्ड बन जो 15 रुपये का आपके पास क्वांटिटी आपके पास जो है ना उसकी 10 यूज और 150 रुपये, इसी तरह ही बता रहा है, मटेरियल कॉस्ट आपको बता रहा है, मतलब कि जो मटेरियल है रॉ मटेरियल की कॉस्ट आपको 750 है, लेबर कॉस्ट इसमें 50 रुपये लगेगी आपके पास, फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास 50 50 रुपये लगेंगे, और अदर चार्ज 0, टोटल आपको 10 बर्गर बनाने में 850 रुपये कॉस्ट होगी, ठीक है जी। और अगर हम आप चेक करते हैं अपना स्टॉक तो ये देखें, अब अगर मैंने इस बिल को अगेन लोड करता हूँ उसको शामी बर्गर, ये देखिए आपको याद होगा एग्स का स्टॉक 300 था, 290 हो गया, इसका स्टॉक जो है ना वो था 200, वो 198.50, मतलब कि रॉ मटेरियल का स्टॉक लेस हो गया, ठीक है। और अगर हम चेक करते हैं अपना, हम चेक कर लेते हैं अपना शामी बर्गर का स्टॉक कि वो हमारे पास कितना शो कर रहा है, इधर से भी हम चेक, सॉरी इधर से नहीं, अच्छा जब हम चेक करते हैं अपना जो बर्गर है जो हमने बनाया है असेंबल किया उसका स्टॉक, इसको हम अगर सर्च करते हैं यहाँ पर शामी बर्गर, तो ये देखिए हमारे पास स्टॉक में 10 पीस शो कर रहा है, ये देख रहे हैं स्टॉक में 10 पीस शो कर रहा है, लेकिन स्टॉक में ये 10 पीस है, और इसकी सेल प्राइस है यहाँ पर 130 आ रही था। अच्छा आप जो कॉस्ट है आप उसकी चेंज कर सकते हैं, पहले हमने जो कॉस्ट इसकी 0 दी हुई थी क्योंकि हमें कॉस्ट पता नहीं था हमें कॉस्ट कितनी आ रही है, अब हमें पता है 85 रुपीज़ कॉस्ट करता है, अब हम 85 कॉस्ट दे देंगे, इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है जी। और अब हम अगर सेल जाते हैं, देखें सेल में जाते हैं और यहाँ पर हम बर्गर कैटेगरी में आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पे होगा शामी बर्गर, ये शामी बर्गर आ गया हमारे पास, ये स्टॉक में कितने थे जी, 10, ठीक है, अब हम इसको सेल 2 सेल कर रहे हैं, इसको हम बिलिंग कर लेते हैं जी, फास्ट बिलिंग कर लेते हैं विदाउट के ओटी, क्विक बिल हो गया, और सेव कर देते हैं, यस प्रिंट रिसिप्ट नो, क्योंकि हमारा मकसद है कि उसको चेक करना, सेव हो चुका। अब हम प्रोडक्ट्स में अगर जाते हैं, ये देखें हमारे पास ये शामी बर्गर आ रहा है, ये देखें ये अब ये हमारे पास 8 पीस रह गए हैं, स्टॉक से 2 लेस हो चुके हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका सर्कल चल सकता है, अगर आप ये चीज़ करना चाहें, स्टॉक मैनेज करना चाह रहे हैं देन तब भी ठीक है, नहीं मैनेज करना चाह रहे हो तब भी आपको बता दें कि अब इफेक्ट क्वांटिटी पर अनचेक कर देंगे तो स्टॉक वो लेस या माइनस प्लस नहीं करेगा आपका, ठीक है, और अगर आपने सेल करेंगे तब भी वो स्टॉक को अफेक्ट नहीं करेगा, तो अगर आप करना चाह रहे हैं देन वो भी तरीका आपको बता दिया।
ठीक है, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।